खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और 7i न्यूज को सब्सक्राइब करिए। नमस्कार, 7i न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ अमनदीप। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। पन्ना जिले के गुनोर ब्लॉक परिसर में आयोजित किसान सम्मान पत्र वितरण कार्यक्रम संपन्न हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे विधायक शिवदयाल बागरी के सामने बड़ी लापरवाही सामने आई है। सम्मेलन में किसानों को पानी की व्यवस्था सही समय पर उपलब्ध नहीं हो पाई, जिससे कुछ किसान महिलाओं पुरुषों ने नाराजगी जताई और खूब खरी खोटी सुनाई। आयोजन में शामिल होने वाले लगभग 3000 किसानों के लिए भोजन की व्यवस्था की गई थी, लेकिन निर्धारित समय से कार्यक्रम शुरू नहीं हुआ और किसानों ने भोजन तक नहीं किया। अभी कार्यक्रम में एक कार्यक्रम अभी चल रहा है, मैं तो अजयगढ़ जाता हूँ, दूसरा कार्यक्रम है इसके बाद हूँ। अभी आपका कार्यक्रम चल रहा था, आपके कार्यक्रम में अभी ना पानी मिला है ना पानी, अभी तो कार्यक्रम चल रहा है, जनता कह रही है। वायुसेना द्वारा पाकिस्तान की सीमा में घुसकर दिखाए गए दमखल को सलाम करने के लिए दमोह जिला मुख्यालय पर एक शौर्य यात्रा निकाली गई, जिसमें पूर्व वित्त मंत्री जयंत मलैया की पत्नी डॉक्टर सुधा मलैया और छात्र छात्राएं शामिल हुए। ये यात्रा मलैया मिल परिसर स्थित शिक्षण संस्थान परिसर में शुरू हुई। यात्रा में छात्र छात्राएं भारत माता की जयकारे करते नजर आए। देशभक्ति की अग्नि प्रज्वलित करने के लिए ओजस्विनी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस की ये यात्रा आगे बढ़ रही है। एक एक नागरिक के मन में देशभक्ति का सैलाब उठे इस बात के लिए माँ मेरी वाणी में ऐसा बल भर दो, माँ मेरी वाणी में ऐसा बल भर दो, सारे देश को देशभक्त कर दो, सारे देश को राष्ट्रभक्त कर दो, मेरी वाणी से ऐसी झनकार उठे, मेरी वाणी से ऐसी झनकार उठे, सारा विश्व माँ भारती पुकार उठे। दमोह शहर के सीता बावरी क्षेत्र में 3 युवाओं पर करीब एक दर्जन लोगों ने चाकुओं से जानलेवा हमला कर दिया, जिन्हें गंभीर चोटें आने पर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना की जानकारी लगते ही CSP मुकेश अभिद्रा जिला अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने घायलों का इलाज शुरू कराया और आरोपियों को गिरफ्तार करने के निर्देश दिए। हम लोग दुकान से आ रहे थे घर पे, तो हमारे साथ में जो था उसको छोड़ा हमने घर पे, मतलब घर के थोड़ी बाहर खुली यहाँ पे, तो ये लोग थे, तो कम से कम ये लोग 10 से 12 लोग थे। कौन कौन लोग थे? अभी हम तो नाम नहीं जानते सबके, एक का नाम बस जानते हैं जिसका नाम कपिल है। ये आया और इसने सीधा आके जो हमने उसको उतारा, तो इसने आके उसको चक्कू मारने लगा। जी कपिल रेड बार है था, 15 लोग जन थे, 3 जन घर जा रहे थे, अपने घर जा रहे थे, उनको नाने छेक के मार दिया। सर हम लोग तो खड़े थे, वो लोग आए, सारे से बातचीत हुई और हम लोग ने चाकू निकाला और बस चाकू चलाना चालू किया, तो हमको यहाँ मार दिया, उसको मार दिया, उसको भी मार दिया। BJP के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय भिंड पहुंचे, जहां लोकसभा चुनाव की तैयारियों के लिए कार्यकर्ता सम्मेलन में भाग लिया। विजयवर्गीय ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि 13 दिन पहले पुलवामा में जो आतंकी हमला हुआ था, उससे लोगों में काफी नाराजगी है, जिसके चलते सेना ने LOC पार कर आतंकी अड्डे का सफाया किया। भिंड से गिरिराज बोहरे की रिपोर्ट। मुझे ये भी प्रसन्नता है कि मोदी जी ने उस दिन कहा था कि जिन्होंने गलती की है, बहुत बड़ी गलती की, और इसकी सजा अवश्य उन्हें मिलेगी। कहां मिलेगी, किस समय मिलेगी, किस स्थान पर मिलेगी और कब मिलेगी, ये तय करने के अधिकार मैंने तीनों सेना नायकों को दिए हैं, पर इसकी सजा अवश्य मिलेगी। ये विश्व बिरादरी से भी कह दिया था और हमारे देश के 125 करोड़ जनता को भी ये विश्वास दिलाया। विदिशा जिले के प्रभारी एवं कांग्रेस के कैबिनेट मंत्री हर्ष यादव सिरोंज पहुंचे। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मंत्री हर्ष यादव का हार माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। मंत्री हर्ष यादव ने किसान ऋण माफी कार्यक्रम में किसानों को संबोधित किया और मुख्यमंत्री कमलनाथ सरकार की जमकर तारीफ की।
पंचायत पार्वती बरोदा में भ्रष्टाचार का मामला विजयपुर की ग्राम पंचायत किशनपुरा और ग्राम पंचायत पार्वती बरोदा में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। पंचायत में वर्ष 2012-2013 में 7 हैंडपंप स्वीकृत हुए थे, मगर सरपंच सचिव द्वारा हैंडपंप की पूर्ण राशि निकाली जा चुकी है और अभी तक एक भी हैंडपंप पंचायत में नहीं लगवाया गया। वही मेन रोड से धाकड़ मोहल्ला के लिए सीसी निर्माण कार्य के नाम पर सरपंच सचिव द्वारा करीब 8 लाख रुपए की राशि फर्जी तरीके से निकाली जा चुकी है, मगर मौके पर कोई भी निर्माण कार्य नहीं हुआ है और कई मृतकों के नाम के मस्टर जारी कर फर्जी तरीके से राशि निकाली गई है और जो लोग पंचायत में रहते ही नहीं है उनके फर्जी जॉब कार्ड तैयार कर फर्जी तरीके से निकाली जाती है। वहीं अब इस मामले में सरपंच सचिव और जिम्मेदार अनजान बने हुए हैं। कोक सिंह धाकड़ की रिपोर्ट। पन्ना जिले के ककरहटी में राज्य स्तरीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। वॉलीबॉल टूर्नामेंट का शुभारंभ मुख्य अतिथि जिला भाजपा अध्यक्ष सतानंद गौतम, वरिष्ठ अतिथि विष्णु पांडे और खजुराहो भाजपा लोकसभा के संयोजक के अतिथि में प्रारंभ हुआ। सर्वप्रथम सभी की ओर से टूर्नामेंट के अध्यक्ष रमेश तिवारी का पुष्प मालाओं से स्वागत किया गया। टूर्नामेंट का संजीत सरकार के द्वारा टॉस कराकर खेल प्रारंभ हुआ। बेस्ट ऑफ 3 के हुए मैच में ककरहट्टी ने देवेंद्र नगर को संघर्षपूर्ण मुकाबले में 2-1 से हराकर अगले चरण में प्रवेश किया। ककरहट्टी से सौरभ तिवारी की रिपोर्ट। रायसेन जिले के उदयपुरा थाना पुलिस ने युवक की हत्या के मामले में 12 लोगों में से 2 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। आरोपियों ने पैसे के लेन देन के चलते गोली मारकर हत्या कर दी थी। वहीं परिजन मुख्य आरोपी उमाशंकर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं और गिरफ्तारी नहीं होने पर धरना प्रदर्शन की चेतावनी दे रहे हैं। हमने इसलिए किया कि हमारे बच्चे की हत्या कर दी है उमाशंकर शर्मा जी ने, तो अभी तक वो गिरफ्तार नहीं भाई और मैं गिरफ्तारी चाहता हूँ। मामले को लेकर बैठे कि हमारे भाई की मृत्यु हो गई 1 तारीख में गोली मारी गई, इसलिए अभी तक आरोपी गिरफ्तार नहीं हुए। लगभग 2 महीने होने जा रहे हैं, सब आरोपी फरार हैं, पुलिस भी कुछ मदद नहीं कर पा रही हम लोगों। ये आंदोलन है कि हमारा रमेश भाई था रमेश राजपूत, उसकी हत्या करी उमाशंकर शर्मा ने, तो 50 दिन बीत चुके हैं, अभी तक उसको अरेस्ट नहीं किया पुलिस प्रशासन ने, तो हमारी रिक्वेस्ट है कि गिरफ्तार हो। ग्वालियर में मेडिकल स्टोरों द्वारा प्रतिबंधित दवाइयां मानसिक रोगियों को दी जाती हैं। ये दवाइयां मेडिकल संचालकों द्वारा अपने फायदे के लिए महंगे रेट पर असामाजिक तत्वों को बेची जा रही हैं और जो इन दवाइयों का दुरुपयोग करते हैं। ग्वालियर स्थित जय माता दी मेडिकल स्टोर से इस तरह का अवैध कारोबार किया जा रहा है। गौरतलब है कि ये दवाइयां इतनी घातक है कि अधिक मात्रा में इसका इस्तेमाल करने से व्यक्ति की मौत भी हो सकती है। ये दवाइयां अन्य नशीली वस्तुओं से सस्ती और आसानी से मिलने के कारण नौजवानों में नशे की लत को बढ़ावा दिया जा रहा है। ग्वालियर से अंशुल मित्तल की रिपोर्ट। आपने भी वीडियो क्लिप दिखाई है, इसकी आप एक कॉपी हमें दिलवा दें, सिग्नल में लाएं आप हमारे, इसमें कार्रवाई कराएंगे। प्रतिबंधित दवाइयों का सेल तो प्रतिबंधित ही होता है। पन्ना जिले की अजयगढ़ की छोटी फील्ड में फसल ऋण माफी योजना का कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें गुनोर विधायक शिवदयाल बागरी ने किसानों को कर्ज माफी योजना का लाभ दिया। बागरी ने अपने भाषण में कहा कि कमलनाथ मध्य प्रदेश के इतिहास में ऐसे पहले मुख्यमंत्री होंगे जिन्होंने शपथ ग्रहण करते ही सबसे पहले अन्नदाता के कर्ज माफी की फाइल पर हस्ताक्षर किए। आज का कार्यक्रम किसानों का कर्ज माफी और एक उद्घाटन के टाइप पे किया गया है, शुरुआत किया गया है। बाकी हमारे कर्मचारी अधिकारी तथा निरंतर कार्य जारी है। अभी तो मान के चलिए शुरुआत है और शुरुआत में किसी को 51,000 दिया गया क्रम बाई क्रम जैसा उनने सूची बनाई है अधिकारियों, 1,66,000 तक का अपन ने आज। हमारी खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए 7i न्यूज़ के साथ। नमस्कार।